बिग बॉस 14 को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अगले महीने से शूटिंग शुरू होने वाली है और सभी कंटेस्टेंट की खतरनाक बीमारी की वजह से जांच भी होने लगी है। 14 दिन तक इन कंटेस्टेंट को क्वारंटाइन किया जाएगा और उसके बाद बिग बॉस 14 के घर में इन्हें शूटिंग के लिए भेजा जाएगा। लेकिन फैंस की नजर इस शो के कंटेस्टेंट पर है। इस बार कौन सा कंटेस्टेंट धमाल मचाने वाला है और कौन सा अपने कारनामों की वजह से लाइमलाइट बटोरेगा और शो की टीआरपी कौन आसमान पहुंचाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शो की टीआरपी के लिए कुछ स्टार्स की इमेज भी खराब हो जाती है और ऐसा ही कुछ बिग बॉस 14 शुरू होने से पहले हो गया। जी हाँ, अभी बिग बॉस 14 शुरू भी नहीं हुआ कि निया शर्मा को शो की कंटेस्टेंट बताया जा रहा है और इतना ही नहीं, इनकी इमेज खराब करने के लिए उनके और पारस छाबड़ा के संबंधों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि निया शर्मा बहुत पहले से ही पारस छाबड़ा को जानती है और वो उन्हीं की वजह से इस बार बिग बॉस 14 जाना चाहती है। कुछ लोगों ने पारस की घटिया हरकतें देखने के बाद ये बात भी मान ली है, क्योंकि जिस तरह से पारस ने बिग बॉस 13 के अंदर गंद फैलाई थी उसके बाद लोगों ने मान लिया है कि इनके और निया के बीच भी जरूर कुछ होगा। पारस छाबड़ा की घटिया हरकतों की वजह से लोगों ने उन्हें घटिया लड़का नाम भी दे दिया। और फिर पारस ने जब माहिरा शर्मा के लिए शहनाज गिल का दिल दुखाया था उसके बाद से फैंस पारस से तो नफरत करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस 14 में पारस छाबड़ा का नाम आने लगा है और वहीं इस बार भी बिग बॉस 14 में पारस छाबड़ा का नाम आना जरूर तय बताया जा रहा है और उनकी वजह से निया शर्मा की इमेज भी पहले से ही खराब होने लगी है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि क्या निया अपनी इमेज बचाने के लिए बिग बॉस 14 का प्लान कैंसिल कर देंगी या फिर अपनी इज्जत की परवाह ना करते हुए वो लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रही है। मेरा न्यूज रिपोर्ट।